हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टेक बफर चैनल पे। सो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अनबॉक्स करने वाले हैं। सो ये एक वाईफाई डिजिटल माइक्रोस्कोप है। सो यूजुअली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में काम करता हूँ एंड पीसीबी डिज़ाइनिंग एंड ये सब मेरा एक तरह का प्रोफेशन का काम है। एंड यूजुअली आप देखते हैं कि वो जो पीसीबी ट्रेसेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इवन सोल्डरिंग पॉइंट्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत छोटी होती है। सो वो देखने के लिए ये माइक्रोस्कोप यूज़ होता है। वैसे आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हैं, ये पीसीबी का है। बट सिर्फ पीसीबी नहीं, आप इससे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ये लाइक प्लांट है, कोई इंसेक्ट है, या फिर आपका खुद के हाथ वगैरह आप देख सकते हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक वाईफाई डिजिटल माइक्रोस्कोप है। इसके दो वेरियंट आते हैं। ये वाला थोड़ा महंगा आता है, अमेज़ॉन पर अराउंड 7000 रुपीज़ का है। ये एक दूसरा वेरियंट है जो कि ऑलमोस्ट सेम है। सो इन दोनों के बीच में फ़र्क बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है। सो ये वाईफाई सपोर्ट नहीं करता है, ये यूएसबी से कनेक्ट होता है। सो इसे मैं साइड में रखता हूँ, हम लोग इसके पर्सपेक्टिव में बात करेंगे एंड कंपेयर भी कर लेंगे। सो हाँ, ये बॉक्स वगैरह तो काफ़ी सिंपल है, ये अनबॉक्सिंग काफ़ी सिंपल होने वाला है, बट इसका जो वर्किंग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए इसके स्पेक्स देख लेते हैं। सो ऑफकोर्स इमेज सेंसर इसका सीमॉस है एंड मैग्निफिकेशन अराउंड 52,000x प्रोवाइड करता है। सो जैसे मैंने बताया, इसके दो मॉडल्स हैं, एक W04, एक W04A। ये W04A वाला है एंड ये जो मैंने बताया था W04 है। W04A के फ़ायदे ये है कि इसके जो रिजोल्यूशन है 1280x720 सपोर्ट करता है, बहुत फोटोग्राफिक एंड वीडियो रिजोल्यूशन दोनों में। एंड इसका कूल पार्ट ये है कि हमें है ना यहाँ पे ऐप भी मिलता है जो आप स्कैन कर सकते हैं एंड इसका जो वीडियो स्ट्रीमिंग है वो डायरेक्टली आपके मोबाइल में दिखता है। एंड ओके, और कुछ स्पेसिफिकेशन जैसे देख सकते हैं, इसके यूज़ केस यहाँ पे लिखे हुए हैं, पीसीबी, स्किन इंस्पेक्शन, हेयर इंस्पेक्शन, ज्वेलरी एंड स्टैम्प, बायोलॉजिकल एंड अदर थिंग्स। सो इसके एंड्रॉयड एंड iOS दोनों ऐप आते हैं। ये वाईफाई सपोर्ट करता है, इसमें LED भी है ताकि आपको लाइक लाइट इल्यूमिनेशन हो वगैरह। सो बाकी के स्पेक्स आप देख सकते हैं एंड चाहिए आप अभी हम लोग ओपन करके देखते हैं इसे। ओके, सो अनबॉक्सिंग में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ उसको। ओके, सो बॉक्स में दो और चीज़ें मिलती है। ओके, सो ये एक क्विक स्टार्ट गाइड है, लाइक जो हमेशा नॉर्मल मैनुअल रहता है वो, प्लस एक कैलिब्रेशन स्केल है जो आपको फोकस एंड अदर थिंग्स के लिए काम आएगा। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ वर्किंग के टाइम कि ये कैसा यूज़ करते हैं। सो प्रोडक्ट की तरफ देखें तो एक माइक्रो यूएसबी केबल मिलता है यहाँ पे, जो कि एक नॉर्मल है। ये एक स्टैंड है जो होल्ड करता है माइक्रोस्कोप को। सो इसमें एडजस्टेबल नट्स है यहाँ पे, लाइक ये आप स्क्रू का ढीला करके कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। काफ़ी स्मूथ मोशन लगता है मुझे। एंड ओके, सो अभी हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं फाइनल वाला। ओके, सो ये है वो माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0x2000x का डायल या एक रोलर है। यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन है एंड एक स्नैप का बटन। सो यूजुअली आप जब ऐप से कनेक्ट करते, अगर इसको लॉन्ग प्रेस किया तो ये वीडियो रिकॉर्ड करता है एंड एक सिर्फ एक प्रेस किया तो ये अपना पिक्चर्स लेते हैं। यहाँ पे एक कैमरा कवर है जो आप निकाल सकते हैं एंड ये है अपना एक्चुअल सेंसर विथ लाइट्स। पीछे आपको USB पावर मिलता है। सो ये यूजुअली आपको पावर करने के लिए प्लस चार्जिंग के लिए भी होगा, बिकॉज मैंने देखा बॉक्स पे कि ये इंडिपेंडेंटली चलता है, इसमें बैटरी भी है। यहाँ पे दो लाइट इंडिकेटर्स है जो हम लोग देख सकते हैं एंड एक रीसेट LED है। सो ये लाइट इंडिकेटर्स एक्चुअली ये डायल के लिए है कि अगर आप इसे इंक्रीज़ करें तो लाइट ब्राइटनेस इंक्रीज़ होता है एंड इससे लाइट डिक्रीज़ होता है। सो अगर ये बैटरी ऑपरेटेड है तो ये भी चलना चाहिए। सो ओके, मैं इसे सेटअप करूँगा एंड इसका वर्किंग हम लोग नेक्स्ट कुछ मिनट में देखते हैं।
ओके सो आइए हम देखते हैं इसका वर्किंग कैसा है, इसे टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप को। सो ये अपना माइक्रोस्कोप है। सो सबसे पहले आपको ये HW व्यूइंग करके ऐप लगेगा, जो आपको बॉक्स के QR कोड को स्कैन करने पे भी मिल जाएगा, एंड वो आपको इसके मैनुअल में भी एक QR कोड दिया हुआ है यहाँ पे, वो भी मिल जाएगा, या फिर आप ये ऐप सर्च कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है। सो प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पे एक LED इंडिकेटर भी है। सो इसे ऑन कैसे करते हैं कि ये ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके रखना है 2 या 3 सेकेंड के लिए, एंड आपको एक ब्लू लाइट दिखेगा यहाँ पे पीछे बाजू। सो ये ब्लू लाइट मतलब ये माइक्रोस्कोप अभी ऑन है, एंड यहाँ पे एक लेंस कवर रहता है जो आप रिमूव कर सकते हैं टेस्टिंग के वक्त। सो मैंने ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाके ये पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप को कनेक्ट करना है। ये आपका वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होता है, आपको यहाँ पे HV कैम करके दिखेगा, इस पर क्लिक करने पे वो उस पर कनेक्ट हो जाएगा। सो आपको दिख रहा है वो कनेक्टेड है अभी। मैं ये ऐप ओपन करता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि इसका वर्किंग कैसा है। सो अभी ये माइक्रोस्कोप ऑन है, ये अपना ऐप है यहाँ पे। ये जो बटन है हेल्प है, ये आपका फाइल एक्सेस वगैरह करने के लिए है। सो ये अपना एक्चुअल माइक्रोस्कोप के लिए है। सो मैं ना यहाँ पे कुछ चीज़ें टेस्ट करूँगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ है, ये यहाँ पे एक लीफ है, एंड यहाँ पे एक छोटी सी चींटी है जो ऑलरेडी लाइक थी वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि ठीक है इसे भी चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ये जो स्टैंड है ये अपना काफ़ी हैंडी हो जाता है, बिकॉज इससे आप ऐसे फिक्स कर सकते हो, बट ये क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड है तो आप इंडिपेंडेंटली भी चेक कर सकते हो। सो सबसे पहले मैं अपना हाथ आपको चेक करके बताता हूँ इस पर। ओके सो एक चीज़ जो मैं भूल गया यहाँ पे कि यहाँ पे लाइट ब्राइटनेस के लिए है, ये डायल अगर आप रोल करते हैं प्लस की तरफ सो इसकी LED लाइट्स ऑन हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अभी मैं आपको ऐप में दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। इस पर फोकस सेट, मैं इसका फोकस सेट करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा स्किन दिख रहा है इस पर। स्ट्रीमिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लाइक आपको एवरी डिटेल बहुत ही अच्छा दिखता है। प्लस यहाँ पे स्नैप बटन है, तो आप डायरेक्टली आप पिक्चर भी ले सकते हैं, जैसे ये बता रहा है पिक्चर ले लिया इसने। ओके सो जैसे मैंने अपना हाथ स्कैन करके बताया, मैं आपको एक एक करके बाकी चीज़ें स्कैन करके बताता हूँ। मैं अभी इसे स्टैंड पे लगा के, सो यहाँ पे एक स्लॉट है जो आप इसके यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। सो आपको एक क्लिक की साउंड आएगी। ओके एंड इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ फोकस करने के लिए। ओके सो मैं मोबाइल यहाँ पे रखता हूँ। सो ये केस में मुझे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इस पर, इधर साइड रोटेट करके। सो आप देख सकते हैं इसकी डिटेलिंग्स, मैं इसे थोड़ा यहाँ पे मूव करता हूँ। 0.5 mm पिच है। डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है इसमें, एंड स्ट्रीमिंग भी काफ़ी अच्छा है। सो आइए अभी हम लीफ को देखते हैं वो कैसा दिखते हैं। इसे मैं थोड़ा ऐसे सेट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा स्टेबल हो। सो आप देख सकते हैं कि एक एवरी छोटी डिटेल्स आपको दिख रही है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट हम लोग एक मुंगी को भी देख लेते हैं। सो ये रही, आई थिंक वो अभी भी अलाइव है।
इसके लिए मूव हो रही है स्लाइटली, बट ऑफ कोर्स मैं इसे और भी जूम कर सकता हूँ अगर मैं इसे ऐसा रखूँगा एंड फोकस एडजस्ट करूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्लैरिटी है। ओके, एक और एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं, इसमें हम लोग पेंसिल का लीड वो कैसे दिखता है। सो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लाइक बहुत ही जूम वर्जन इसमें दिखता है। ओके, सो ये था मेरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू अबाउट द डिजिटल माइक्रोस्कोप। आई होप आपको ये अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको कोई सजेशन है सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।